अस्सलाम वालेकुम बच्चों, 3.5 हम पढ़ रहे थे। 3.5 के क्वेश्चन हमने किए थे 3 क्वेश्चन नंबर, आज हमने करना है 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स माइनस ए ओवर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। ये हमें अब देखना ये है कि ये देखें कि a माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ये एक फ्रैक्शन है, इसके दोनों फैक्टर्स ही लीनियर हैं। एक्स माइनस ए प्लस बी के नीचे आ जाएगा एक्स माइनस बी। तो यहां पर जब मल्टीप्लाई हम एलसीएम से करते हैं, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी एक्स, ए के साथ एक्स माइनस ए कैंसल हो जाएगा एक्स माइनस बी रह जाएगा, और बी के साथ एक्स माइनस बी कैंसल तो एक्स माइनस ए रह गया। अब वैल्यू लेंगे यहां से एक फैक्टर में से, पुट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए में जब हम पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर ए ये है, ए माइनस बी वैल्यू एक्स की क्या है हमारे पास ए, यहां एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे ए, तो यहां हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू एक्स की जगह वैल्यू थी ए ए माइनस बी, यहां पर a माइनस ए जीरो होगी, तो ये हमारे पास अब a माइनस बी है और इधर भी हमारे पास a माइनस बी है, तो ये कैंसल हो गए, वैल्यू ऑफ a आ गई हमारे पास a। इसी तरह अब दूसरा फैक्टर था हमारे पास x माइनस बी, पुट x माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा b के, इसे भी इक्वेशन a में पुट कर दें तो हमें क्या आंसर होगा, इक्वेशन a में पुट करना है a माइनस बी x की जगह वैल्यू क्या आई b, b माइनस बी a वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा प्लस b के साथ x की वैल्यू है b b माइनस a। अब इसे अगर हम b माइनस a कर दें, माइनस कॉमन ले लें तो इस बी के साथ माइनस आ जाएगा, इधर बी इंटू बी माइनस ए ये आपस में कैंसल हो जाएंगे, वैल्यू ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस बी, तो वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसकी इंटीग्रेशन सो सिंपल, ये देखें ए माइनस बी इंटू एक्स ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, डी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए है हमारे पास ए, ए ओवर एक्स माइनस ए डी एक्स, और वैल्यू ऑफ बी है हमारे पास माइनस बी, तो माइनस बी ओवर एक्स माइनस बी डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ये ए बाहर ले लें, अंदर आ जाएगा डी एक्स ओवर एक्स माइनस ए माइनस बी बाहर ले लें, तो ये रह जाएगा डी एक्स ओवर एक्स माइनस बी। तो ये सो सिंपल, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है, क्योंकि नीचे एक्स है और ऊपर जो है ना वो आपको नजर आ रहा है सिंगल, तो ये हमारे पास आ गया ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए माइनस बी लॉग ऑफ एक्स माइनस बी प्लस कॉन्स्टेंट, इस तरह भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यू भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स माइनस ए जो पहले है वो पावर में लिखते हैं, माइनस हो रहे हैं तो ये डिवाइड हो जाएंगे, ये आ जाएगा एक्स माइनस बी की पावर बी प्लस कॉन्स्टेंट, यूं ही लिखा रहने दें तब भी ठीक है। तो सो सिंपल, जस्ट आपको पार्शियल फ्रैक्शन आनी चाहिए, जब आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं तो फैक्टर्स हासिल हो जाते हैं, तो फैक्टर्स की इंटीग्रेशन सो सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट देखें, 5 है क्वेश्चन नंबर,
फाइव भी सेम है, ये सारे क्वेश्चन सेम है, थ्री माइनस एक्स, थ्री माइनस एक्स ओवर वन माइनस एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर। अब देखें ये नॉमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, लिहाजा ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए ये देखें थ्री माइनस एक्स ओवर, इसे लिख सकते हैं सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन के, सिक्स वन द सिक्स टू थ्री द सिक्स, तो हम इसे लिख सकते हैं थ्री माइनस एक्स ओवर सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स। ये देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस सिक्स आना चाहिए, सिक्स वन द सिक्स टू थ्री द सिक्स, यहां पर फाइव होना चाहिए। ये स्टेटमेंट में मुझे थ्री टू द सिक्स, ये स्टेटमेंट में देखें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि फैक्टर इस लिहाज से नहीं बन रहे। फैक्टर बनने चाहिए थे थ्री और टू प्लस वन, इधर अगर हम वन लिखते हैं तो ये थ्री टू द सिक्स, तो यहां पर आना है माइनस एक्स और ये सिक्स बनता है माइनस का, तो यहां पर है प्लस का, तो ये देखें ये वहां यहां माइनस वन होगा। स्टेटमेंट में कोई ना कोई लाजमी गड़बड़ है, आप नेक्स्ट देखते हैं फिर स्टेटमेंट इसको चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स है 2x ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखें ये फैक्टर बन रहे हैं 2x ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गए जी 2x ओवर x प्लस a x माइनस a, ये दो फैक्टर्स बन गए। अब 2x ओवर x प्लस a x माइनस a ये एक्सपोज करें तो ये पहला फैक्टर आ जाएगा x प्लस a और दूसरा फैक्टर आ जाएगा x माइनस a, ए के नीचे और बी के नीचे आ जाएगा एक्स माइनस ए, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम, एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, यहां रह गया टू एक्स, ए के साथ एक्स माइनस ए और बी के साथ एक्स माइनस ए कैंसल एक्स प्लस ए, ये हमें इक्वेशन हासिल होगी। अब उसके बाद देखें x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, सॉरी x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से x की वैल्यू निकली माइनस ए, जिसे हमने पुट कर दिया a, 2x की वैल्यू क्या है माइनस ए, माइनस ए माइनस ए, ये माइनस ए प्लस ए जीरो हो जाएगा, a के साथ आ जाएगा माइनस टू ए और ये इधर भी माइनस टू ए, माइनस टू ए से माइनस टू ए कैंसिल, a की वैल्यू आ गई वन। इसी तरह b के फैक्टर के नीचे से वैल्यू लेंगे, पुट x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू a इन a, 2x की जगह आ गया a, यहां a माइनस ए, a का फैक्टर जीरो हो जाएगा, b के साथ a प्लस ए, 2b इज इक्वल टू 2a, 2a इज इक्वल टू 2a और ये b, ये कैंसल, वैल्यू ऑफ b क्या आ गई 1, वैल्यू ऑफ a भी 1 और वैल्यू ऑफ b भी 1, तो आप इसकी इंटीग्रेट कर लें इनको 2x ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a 1, वैल्यू ऑफ b 1, वैल्यू ऑफ a 1 है तो x प्लस a आ जाएगा dx और वैल्यू ऑफ b भी 1 है तो x माइनस a dx। तो सो सिंपल, ये देखें नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, लॉग ऑफ एक्स प्लस ए प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस ए प्लस कांस्टेंट, ये दोनों
प्लस हो रहे हैं, तो लॉ ऑफ लॉ कंतल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लॉ एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस सी, यूं भी इसे लिखा जा सकता है। तो ये सो सिंपल, जस्ट आपने जो है ना वो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करना है कि उनके फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने के बाद वैल्यूज लेनी है, जब उनके पार्ट्स की वैल्यूज आ जाए तो उस वक्त आपने उस क्वेश्चन को क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। सिंपल से क्वेश्चन है, उसके बाद देखें ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। सेवन में है 1/6x² + 5x - 4, 6x² + 5x - 4। अब इस फ्रैक्शन के फैक्टर्स बनाए 6 × 4 = 24, 24 को इस तरह बनाएं कि 5 बने, कौन कौन से फैक्टर बनेंगे जी, 1/6x² + 5x - 4, 6 × 4 = 24, 24 को बनाएं कि हमारे पास हासिल होने वाला नंबर जो है वो 5 हो, 8 × 3 = 24, 6x² - 3x + 8x - 4, तो ये आ जाएगा 1, इन दोनों में से कॉमन 3x, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3x, तो बाकी रह जाएगा 2x - 1, इन दोनों में से कॉमन आ गया 3x, बाकी रह गया 2x - 1, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 4 + 4, तो दूसरा फैक्टर आ गया 3x + 4। तो यहां पर इसको सपोज कर लेंगे, a के नीचे आ जाएगा 2x - 1, दोनों ही फैक्टर लीनियर है, b के नीचे आ जाएगा 3x + 4। अब मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम के साथ, मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 1, a के साथ आ जाएगा 3x + 4, b के साथ आ जाएगा 2x - 1, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी a। अब यहां से वैल्यू क्या निकल रही है, x की 1/2, हम लिखेंगे पुट 2x - 1 = 0, ये x इज इक्वल टू 1/2 इन a, a में से दर्ज करेंगे 1, x की वैल्यू है 1/2, तो ये हो जाएगी 3/2 + 4, 1/2 2 से कैंसिल, -1 ये 0 हो जाएगा, एलसीएम आ गया 2, 3 + 8 = 11/2, 11/2 a is equal to 1, तो a की वैल्यू आ गई 2/11, ठीक है, ये 2 एलसीएम आ गया, 3 + 8 = 11 हो गया। इसी तरह पुट 3x + 4 = 0, x इज इक्वल टू -4/3, इन ए इधर है 1, अब ये देखें x की जगह जब हम पुट करेंगे 4/3, 3 से कैंसिल, -4 + 4 0 हो जाएगा, a का फैक्टर 0 हो गया, और b के साथ है हमारे साथ पास 2x - 1, 2x - 1, तो ये हमारे पास b एलसीएम आ गया 3 - 8 - 3 -11/3, वैल्यू ऑफ b क्या हो जाएगी, 3 कराकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 डिवाइड, वो भी माइनस का, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -3/11, तो अब सो सिंपल dx/6x² + 5x - 4 is equal to value of a
वैल्यू ऑफ ए है हमारे पास 2/11, ये 2/11 बाहर लिख दिया मैंने, और इसका फैक्टर है 2x-1 dx, उसके बाद b की वैल्यू है -3/11, तो ये -1/11 मैंने बाहर लिख दिया, 3 लिखा है, क्या था हमारे पास b का फैक्टर 3x+4 dx, तो ये सो सिंपल 1/11 log of 2x-1, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, -1/11 log of 3x+4 प्लस कांस्टेंट, 1/11 कॉमन है, log of 2x-1 माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड कर दें, 3x+4+c, यूं भी आंसर लिखा जा सकता है, वैसे यहां तक लिखा रहने दें तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो आपने तमाम क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शन की, ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन में फैक्टर से वैल्यू निकालकर फिर आपने इंटीग्रेट किया, इंतहाई आसान सवाल है, इसमें कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम वाली मुश्किल वाली बात नहीं है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आए तो आप पूछ सकते हैं।